एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन इज प्रूव दैट टू माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर इज इरेशनल राइट तो सेम प्रोसेस वी विल यूज तो टू माइनस थ्री रूट टू के होल स्क्वायर को पहले हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे तो ए फोर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्र नाइन नाइन टू जै एटीन ए प्लस एटीन आएगा थ्री कै स्क्र नाइन रूट टू कैक्टर टू तो नाइन टू जै एटीन माइनस टू ए बी टू टू जै फोर फोर थ्री जै ट्वेल्व दैट मीन्स की ट्वेल्व रोट टू तो दिस इज बेसिकली एटीन प्लस फोर इज ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू माइनस ट्वेल्व रूट टू यह एक्सप्रेशन आ गया तो डरना नहीं है पेपर में ऐसा हो या ऐसा हो दोनों सेम चीज है तो अब आपके पास इसे मान लेंगे हम क्या है रेशनल है क्या मान लेंगे इसको रेशनल मान लेंगे तो ट्वेंटी टू माइनस टू जो होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस ए अपॉन बी जहां पर ए और बी क्या है को प्राइम है इतने सारे आप क्वेश्चंस करे होंगे आपने बुक में तो एस सी एफ और ए और बी का जो होगा दैट विल तो दैट इज ए आपके पास आएगा ठीक है माइनस ट्वेल्व रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी एंड माइनस ट्वेंटी टू राइट अब दिस इज ए आएगा आपके पास माइनस ट्वेल्व रूट टू इक्वल्स टू ए माइनस ट्वेंटी टू बी अपॉन बी दैट इज रूट टू जो होगा दैट इक्वल्स टू ए माइनस ट्वेंटी टू बी अपॉन माइनस ट्वेल्व बी के द्वारा इक्वल हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बी अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी टू बी एंड माइनस ए अपॉन माइनस ट्वेल्व बी ए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी टू बी माइनस ए अपॉन ट्वेल्व बी अब यहाँ पर ए टेल्व बी ठीक है उसके बाद ट्वेंटी टू दिज ऑल आर इंटीजर्स तो इंटीजर्स का जब डिविजन करेंगे तो दैट विल बी दैटनल तो इसका मतलब हो गया रूट टू भी क्या हो गया रेशनल लेकिन फिर से लैंग्वेज सेम वही यूज हम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रेडिक्ट करता है इरेशनल है? है क्योंकि ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं ठीक है दैट गिवन नंबर इज नॉट रेशनल हेंस इट इज इरेशनल तो यहां जो आ जाएगा आपका वो क्या है इरेशनल है क्योंकि आप इसी पार्ट को तो प्रूव कर रहे हो इसी को तो आपने चेंज किया है इस फॉर्म में